Hello everyone, my name is Vardhan Gag and I welcome you all to Margaret Bains. भाई मार्केट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको किंडर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक हर कोर्स मिल जाएगा यू कैन आस फॉर एनीथिंग यू कैन आस फॉर एन टी एस सी यू केन आस फॉर ओलंपियान आस फॉर सी बीबीएससी बोर्ड यू कैन आस फॉर स्टेट बोर्ड यू कैन आस फॉर एनसीआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट स यू हर्ड दैट राइट फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल यूनिट कम एंड लर्न फ्रॉम दो अच्छा एक बात ध्यान रखना की दो चैप्टर से दो वीडियोज की बात नहीं हो रही है यहां बात हो रही कंप्लीट कोर्स सेट की कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल यूनिट कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियो तो वाइज आज हम क्या सीखने वाले हैं तो so, आज हम करने वाले हैं वर्ल्ड टोकनाइजेशन तो जैसे हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में डिस्कशन कर लिया है डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर कि हमें क्या करना है हमें कंप्यूटर को नेचुरल लैंग्वेज सिखानी विद हेल्प ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर जितना इजी लगता है कहने में उतना इजी है नहीं बिकॉज जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन बींग्स को समझ में आती है आसानी से बट कंप्यूटर्स को समझाना डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है ठीक है तो हमें अच्छा एक और प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है मतलब सिर्फ जीरो या वन समझ में आता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है जिसमें हम बोलते हैं उसको हम जीरो वन या बाइनरी नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सके बट दिक्कत यह है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है कि उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना इज नॉट अ इज नॉट एन ईजी टास्क तो हमें क्या करने की जरूरत है पहले उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम करने की जरूरत है उसको उसको सिंपलर फॉर्मेट में लाने की जरूरत है तो वो सिंपलर फॉर्मेट में सिंपल फॉर्म में लाना ही क्या कहलाता है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन कहलाता है इसके बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है क्योंकि बहुत आसान काम नहीं है ये भी इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्ड हैं तो वो जो स्टेप्स है उसका एक स्टेप हम देख चुके इससे पहले वाली वीडियो में आज हम देख रहे हैं या इस वीडियो में हम देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप इज वर्ड टोकनाइजेशन अब क्या है वर्ड टोकनाइजेशन देखते हैं भाई तो वर्ड टोकनाइजेशन इसका एक और नाम है सो वर्ड टोकनाइजेशन आल्सो कॉल्ड वर्ड सेगमेंटेशन तो इसको वर्ड सेगमेंटेशन भी बोल

हर सेंटेंस को टोकनाइज करने वाले हो आप टोकन में कन्वर्ट करने वाले डिवाइड करने वाले हो अब टोकन क्या है तो टोकन इज अ टर्म यूज फॉर एनी वर्ड और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर अकरिंग इन अ सेंटेंस सो टोकन क्या है भाई टोकन एक नाम है जो दिया गया है किसको एज अ टर्म यूज फॉर एनी वर्ड कोई भी वर्ड कोई भी नंबर या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो सेंटेंस में आकर कर रहा है उसको हम टोकन कह रहे हैं टली एंड ईच ऑफ नाउ अ सेपरेट टोकन तो टोकनाइजेशन में हम क्या करने वाले हैं टोकनाइजेशन में हर वर्ड को हर नंबर को हर स्पेशल कैरेक्टर को हम क्या करने वाले हैं कंसिडर करने वाले हैं एक सेपरेट एंटिटी ठीक है एक सेपरेट टोकन तो अब ये टोकनाइजेशन आपको नहीं क्यों नहीं है मतलब अभी क्यों? तो इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज जो लैटिन अल्फाबेट्स पर बेस्ड है स्पेस इज अ गुड अप्रोक्सिमेशन ऑफ अ वर्ड डिवाइडर तो स्पेस को हम यूज कर सकते हैं वर्ड को डिवाइड करने के लिए ठीक है वर्ड डिवाइड करने के लिए मतलब एक सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे मेरा ही नाम लिखा हुआ है वरदान गर्ल या फिर आई एम अ गुड बॉय ठीक है सो आई आई एम अ गुड बॉय सपोज इस तरीके सेंटेंस लिखा हुआ है तो यूजुअली जो लैटिन लैंग्वेज से आती है जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें स्पेस इज कंसिडर्ड एज अ गुड फॉर्म ऑफ सेपरेटर वर्ड आप ब्रेक कर सकते हो बट जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है ठीक हाउ एवर वी स्टिल कैन हैव प्रॉब्लम इफ वी ओनली स्प्लिट बाय स्पेस टू अचीव द वॉन्टेड रिजल्ट एग्जाम्पल न्यू यॉर्क न्यू यॉर्क अब मुझे बताओ ये एक सिंगल वर्ड है कि दो वर्ड्स हैं। न्यू और यॉर्क को आपने जैसी अलग किया दैट दैट वोंट मेक एनी सेंस न्यू यॉर्क साथ में ही सेंस बनाते हैं बीच में स्पेस है स्पेस को यूज करके डिवाइड किया तो ये गया <laughs> समझ में आया तो स्पेस इज नॉट द ओनली वे सम इंग्लिश कंपाउंड नाउन्स आर वेरिएबली रिटर्न एंड समटाइम्स दे कंटेन अ स्पेस तो कुछ कंपाउंड वर्ड्स को वेरिएबली लिखते हो और उनके बीच में कुछ में स्पेस भी होता है तो स्पेस इज नॉट नॉट ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ गुड वे तो वही मैपिंग यूज करिए भाई मैप करके रखो मतलब टेबल यूज करो जिसमें जो ऐसे वर्ड्स आपको लगते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉर्पस uh, में आ सकते हैं जैसे सपोज किसी भी आप सिचुएशन में बात कर रहे हो एंड यू थिंक कि हाँ इस कॉर्पस में इस चीज से रिलेटेड बात हो रही है तो इसमें ऐसा वर्ड आ सकता है कॉम्प्लेक्स जिसके बीच में स्पेस हो तो वो आप यूज करो और जब भी आपको स्पेस में ले चेक करो उसके राइट right, लेफ्ट को मिक्स करके कि क्या वो उस टेबल में से तो कोई वर्ड नहीं है ठीक है तो दैट यू कैन डू बट हाँ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई ना तो जितना इजी लग रहा था उतना इजी है नहीं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई इसकी तो इस बात का ध्यान रखिएगा तो ये है वर्ड सेगमेंटेशन मतलब आफ्टर डिवाइडिंग द होल कॉर्पस इन टू सेंटेंसेज नाउ यू यू नीड टू डिवाइड ईच एंड एवरी सेंटेंस इन टू टोकन विच मीन्स वर्ड्स ओके जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको जैसे आपके पास ये एक पूरा सेंटेंस है अगर आपको याद हो इससे पहले वाले सेशन में इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक कॉर्पस को सेंटेंसेस में ब्रेक किया था उसी में से एक सेंटेंस मैंने उठा लिया है सीबीटी वाला ही है एग्जांपल। सो इन सीबीटी वी लर्न टू डिसाइवर द लाइज वी आर अंडर माइनिंग विद डैश बेस्ड ऑन द बायस एम्बेडेड इन द थिंग्स वी से ठीक है अब ये क्या है ये आपका पूरा एक सेंटेंस है एक सेंटेंस है ये क्योंकि लास्ट में एक फुल स्टॉप आ रहा है ये एक सेंटेंस है अब इसको हम करेंगे टोकनाइज मतलब इन एक सेपरेट वर्ड है CBT एक सेपरेट वर्ड है कॉमा एक सेपरेट सिंबल है स्पेशल सिंबल फिर V एक सेपरेट वर्ड है लर्न टू डिसाइफर द लाइज वी आर अंडरमाइनिंग आर सेल्स विद डैश जो बीच में डैश आया था ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है ठीक है बेस्ड ऑन द बायस एम्बेडेड इन द थिंग्स वी से फुल स्टॉप यहां पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप टोकनाइज करते हो तो स्पेशल सिंबल्स भी आपको कंसिडर करने होते हैं जैसे कि यहां पे हमने कॉमा किया यहां पे हमने डैश किया यहां हमने फुल स्टॉप किया तो स्पेशल सिंबल्स को भी कंसिडर करना पड़ता है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ऐसा मत करिएगा कि आपको डुप्लीकेट्स मिले डुप्लीकेट्स आपने हटा दिए नहीं यहां पर भी वी है यहां पर भी वी है ठीक है यहां पर भी वी है तीन बार आ रहा है बट तीनों बार हमने लिखा है तो टोकनाइजेशन की सिचुएशन में जब आप टोकनाइज कर रहे हो जब वर्ड टोकनाइजेशन चल रहा है तो आपको डुप्लीकेसी पे ध्यान नहीं देना है डुप्लीकेट्स रहेंगे यहां पर डुप्लीकेट रहेंगे यहां पर यहां नंबर भी कंसिडर किए जाएंगे स्पेशल कैरेक्टर्स भी कंसिडर किए जाएंगे और बाकी आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स तो कंसिडर किए जाएंगे ही जाएंगे ठीक है, सो आई होप ये टोकनाइजेशन समझ में आ गया होगा बहुत सिंपल सा काम है सो so, आपने पहले सेगमेंट किया मतलब कॉर्पस को sentences में break किया, उसके बाद हर सेंटेंस को उठाया उसको स्पेस यूज करके आपने टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया मतलब वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया ठीक है जरूर नहीं है वो सेपरेटली सेंस बनाए ना बनाए मैटर आपको क्या करना है स्पेस पे बेस्ड स्पेस पे बेस्ड टोकन कन्वर्ट करने हैं ठीक है आई होप दिस थिंग इज क्लियर एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा समझ में आ गया होगा सो दिस वॉज योर वॉट वर्ल्ड टोकनाइजेशन अब इसके अलावा इसके और भी कुछ स्टेप है तो वो जानने के लिए इस वीडियो को यही अप करते हैं, नेक्स आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट अगर आप देखो तो हमारी वेबसाइट है विच बेस कॉम, तो पे टाइप करना आपको माग्रेड डॉट कॉम पहली वेबसाइट क्लिक करोगे तो यहाँ कर जाओगे इंग्लिश मीडियम क्लेकॉन क्लास टू

टेक एडवांटेज ऑफ दिस और अगर आपको हमारी मेहनत तो अच्छी लग रही है कंटेंट पसंद आ रहा है videos अच्छी लग रही है playlist पसंद आ रही है अगर आपको लगता है कि आपको हर रोज हमसे कुछ नया सीखने को मिल रहा है अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से सो so हमारे साथ यानी कि बेस का जुड़े रहिए हम रहते हैं आपके लिए किडन गार्डन से क्लास ट्वेल्व तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ हैं सो so वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ तो इसी तरीके से बने रहेंगे राइट मैं आपसे मिलता नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच